बल्क मॉडुलस के अंदर इसका जो सिंबल है वो के है या बी है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा वी बाय वी, नेगेटिव साइन तो लगता है कि कंप्रेशन हो रहा है, के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी लगा सकते हैं, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है। हम चेंज क्यों बोलते हैं, एक बॉल है, एक बॉल यहाँ पर पड़ी हुई है, इसके ऊपर कितना प्रेशर है, अभी मैं पानी में लेके भी नहीं गया, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, वो तो लगेगा ही लगेगा, तुम उसको पानी में ले जाएं, पानी में प्रेशर बढ़ जाएगा, एटमोस्फेरिक तो होगा होगा, पानी का भी प्रेशर हो जाएगा, तो मान लो 2 एटमोस्फेरिक हो गया, तो चेंज कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1, तो ये डेल्टा पी वो चेंज है, डेल्टा पी 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर नहीं होगा, ये चेंज है, इंक्रीज कितना हुआ प्रेशर, तो डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर है, और डेल्टा वी बाई वी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है उसका, और कई बुक्स इसको डेल्टा पी की जगह पी लिखती हैं, पर पी का मतलब चेंज इन प्रेशर ही है, वो लिखने का तरीका है, कोई डेल्टा पी लिखता है कोई पी लिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले एक चीज़ याद रख लें, अगर आप किसी भी बॉडी को पानी के नीचे ले जाएंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ एच, तो पानी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, और वो प्रेशर हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एच रो जी, एच का मतलब हाइट है, रो का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तुम जितना नीचे जाओगे एच बढ़ता रहेगा, प्रेशर डिफरेंस बढ़ता रहेगा, ठीक है यहाँ तक। इसका पहला प्रॉब्लम है, प्रेशर ऑफ मीडियम इज चेंज्ड फ्रॉम इतने टू इतने पास्कल, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो प्रेशर पी वन से पी टू हो गया, तो डेल्टा पी क्या हो गया, पी टू माइनस पी वन, प्रेशर का डिफरेंस आ गया। क्या करना है कि चेंज इन वॉल्यूम 10% है, अब एक बात बताओ मुझे, चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम या परसेंटेज गिवन है, तो डेल्टा वी बाई वी कितने, 10%, 100 से डिवाइड करके 0.1 आ गया, तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू भी आ गई, ये भी क्लियर है यहाँ तक। क्या निकालना है इसमें, बल्क मॉडुलस निकालना है, अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा पी आपको पता है, डेल्टा वी बाई वी आपको पता है, डिवाइड करके आंसर आ गया। कोई कहेगा सर आपने माइनस नहीं लगाया, हाँ मेरे हिसाब से ये माइनस होना चाहिए था, कई बुक्स ऐसे करती हैं, वो मानती हैं बल्क मॉडुलस तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो मैग्नीट्यूड में काम करके खत्म करती हैं। आप ऐसा कर सकते हो, डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव होगा, प्रेशर बढ़ रहा है तो बॉडी का वॉल्यूम घट रहा है, अगर घट रहा है तो डेल्टा वी बाई वी नेगेटिव है, और अगर तुमने ऊपर नेगेटिव लगाया फिर फॉर्मूले में भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव अपने आप आंसर पॉजिटिव हो जाए, ऐसे है। तो अगर तुमने ऊपर नहीं लगाया फिर नीचे मत लगाना, और अगर ऊपर लगा दिया डेल्टा वी बाई वी में लगाया फिर नीचे भी लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है, एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 3000 मीटर, 3 किलोमीटर डाउन है इंडियन ओशन अप्रॉक्सीमेटली, बहुत 3 किलोमीटर, 12 फीट का स्विमिंग पूल बहुत डाउन लगता है मेरे को, तो 3 किलोमीटर डाउन चल रहे हैं, तो इतना पानी है, कैलकुलेट फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी और वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। वो कह रहे जी ओशन का नीचे का पानी है ना, उसकी डेंसिटी जो है ना वो ऊपर के पानी से ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर का पानी नीचे के पानी को क्या कर रहा है, दबा रहा है, तो नीचे के पानी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है तो वो दब रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो कह रहे हैं कि बताओ कितना फ्रैक्शनल चेंज है, और आपको बल्क मॉडुलस गिवन है, तो एक काम क्यों नहीं करते, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन गलत है लिखा हुआ है, ये लिख लो, माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी बाय वी इज माइनस डेल्टा पी डिवाइडेड बाय के, और डेल्टा पी की जगह क्या पुट करेंगे, एच रो जी डिवाइडेड बाय के। अब एच की वैल्यू कितनी है, 3000, डेंसिटी लिक्विड की, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, याद रखना वाटर की डेंसिटी एसआई सिस्टम में स्टैंडर्ड है 1 kg/m³, ये याद रखना, ये गिवन नहीं होगी, आपको याद करनी है, और के का मतलब 2.2 × 10⁻⁹ आंसर, ये निकाल लेना, और नेगेटिव के साथ निकाल लेना चाहिए, क्योंकि वाटर कंप्रेस हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज तो हो नहीं सकता, तो ये इसका आंसर है। ठीक है,
ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक, नेक्स्ट है सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के. एक स्फेयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और बल्क मॉडुलस उसका के है. इज सराउंडेड बाय अ लिक्विड. एक स्फेयर के आसपास एक लिक्विड है. इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर. इस सिलेंडर के ऊपर एक मासलेस पिस्टन है ऑफ एरिया ए एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. तो लिक्विड के ऊपर एक पिस्टन तैर रहा है. व्हेन मास एम इज प्लेस्ड ऑन द पिस्टन टू कंप्रेस द लिक्विड फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर. मैं आपको इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझाता हूँ एक्चुअल में क्या क्या रहा है. ये कह रहे हैं कि आपके पास ना एक स्फीयर है और वो स्फीयर ना एक सिलेंड्रिकल पिस्टन के अंदर ऐसे पड़ा हुआ है. ठीक है, इसके ऊपर एक पिस्टन है ऐसा. ये पिस्टन है, ठीक है, ऐसा, जिसका एरिया कितना है ए, और ये मासलेस पिस्टन है. और ये स्फीयर इज सराउंडेड बाय वाटर. यहां पर पानी भी है, लिक्विड है, ये रहा ऐसे. ठीक हो गया, ये केस है. अभी तुमने इसको दबाया नहीं है. अब तुमने क्या किया सेकंड केस में? सेकंड केस में इस पिस्टन, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर तुमने एक मास रख दिया कैपिटल एम. इस मास ने पिस्टन को दबा दिया. पिस्टन दबा तो ये लिक्विड भी दब गया. लिक्विड दबा तो इसने स्फेयर को दबा दिया. स्फेयर का वॉल्यूम छोटा हो गया, इसका रेडियस भी छोटा हो गया. तो आपको बताना है डेल्टा आर बाय आर क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस क्या होगा. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आ गया? और स्फेयर का रेडियस कितना है? आर है. ठीक है, तो ये पिस्टन क्यों दबा? इसका खुद का मास तो था नहीं, क्योंकि आपने ऊपर क्या लगाया? वेट mg. और एरिया ऑफ पिस्टन क्या है? a. तो तुमने प्रेशर कितना लगाया? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. तो पहला स्टेप क्लियर है यहां पे. प्रेशर क्या लगा? mg बाय एरिया. अब ये बताओ कि जो वॉल्यूम है स्फीयर का वो क्या है? 4/3 πr³ है. तुम एरर का रूल लगा लो ज्यादा बेटर है. तो ये सीधा डेल्टा v बाय v मिलेगा. 4/3 π कांस्टेंट है, 3 × δr/r. तो सीधा आपने क्या किया? डेल्टा वी बाई वी डेल्टा आर बाई आर का रिलेशन निकाल लिया. अब क्योंकि ये कंप्रेशन का केस है, चीजें दब रही हैं और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन है. तो बल्क मॉडुलस के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी है. तुमने अगर यहां नेगेटिव लगाना है फिर यहां भी नेगेटिव लगा लेना, क्योंकि वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है. नहीं लगाना फिर यहां भी मत लगाना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ गई. अब डेल्टा वी बाई वी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 3 × δr/r. ये रहा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा आर बाई आर आ गया. और प्रेशर की जगह एंड में क्या पुट करना है? एम जी बाय एरिया आंसर आ. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, कैसे इसको करना है. मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन होंगे. आप इस एग्जाम्पल को रेफर भी कर लेना, मतलब उस शीट को करने से पहले पहले बल्क मॉडल्स पढ़ लेना इसमें से, फिर क्वेश्चन को ट्राई करना. बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें. जैसे बस ये रहा बल्क मॉडुलस.